नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भंडरिया वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़गड़ के टेहरी से घने जंगलों में छापेमारी कर सकुआ का 50 पीस चौखट किया जब्त। गढ़वा से हमारे संवाददाता मनदीप आदर्श की रिपोर्ट। गढ़वा वन विभाग ने जंगलों से बेसकीमती लकड़ियों के अवैध कारोबार करने वाले के विरुद्ध नकेल कसना शुरू कर दिया है। अब उनकी खैरियत नहीं, जंगलों से लकड़ियों का कारोबार करने वाले माफियाओं के विरुद्ध भंडरिया वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस विभाग वन विभाग भंडरिया सुरक्षित वन क्षेत्र में घूम घूम कर जंगलों से अवैध रूप से बेसकीमती लकड़ियों की कटाई करने वाले के विरुद्ध अभियान चला रही है। क्षेत्र में घूमने के दौरान लकड़ियों का अवैध कारोबार करने वाले के बारे में गुप्त सूचनाएं मिली थी कि कई दिनों से अथक प्रयास के बाद आज सुबह बड़गड़ के टेहरी के घने जंगलों से सखुआ के 50 पीस चौखट बरामद करने में सफलता पाई। गुप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र पदाधिकारी भंडरिया गोपाल चंद्रा के नेतृत्व में टेहरी सुरक्षित वन में छापेमारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा आज सुबह में 50 पीस सखुआ का चौखट जब्त किया गया। छापेमारी टीम को देखते हुए लकड़ी के कारोबारों में संलिप्त अपराधी भागने में सफल रहे। इस संबंध में भंडरिया वन क्षेत्र पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि क्षेत्र से मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन लकड़ी माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। इस अभियान में वन क्षेत्र पदाधिकारी भंडरिया गोपाल चंद्रा एवं वनरक्षी तुषार कुमार, त्रिलोकी नाथ राम, कमलेश कुमार, बिपिन बिहारी मेहता, राकेश तिवारी, उपेंद्र कुमार, रोशन कुमार, ललन कुमार, सुलम कुमार, अनुपम आदित्य आदि लोग शामिल थे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।